इस सब की शुरुआत तब से हुई जब से वो राहुल अपने अलग रास्ते निकल गया, वो बस पकड़कर। न जाने उसके साथ क्या हो गया होगा कि उसके सभी दोस्त भी मुसीबत में पड़ रहे हैं। एक काम करते हैं, इस बस डिपो के स्टाफ वालों से पूछते हैं, जरूर उन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा। चलो यार भोला, सोमवार रात को जो बस का एक्सीडेंट हो गया था ना, उसमें कई मासूम जाने चली गई। उस बारे में अगर सोचता हूं ना तो मुझे बेचैनी सी हो जाती है। वाकई बड़े अफसोस की बात है, लेकिन एक बात मेरी समझ में ये नहीं आती कि उस बस में तो 30 लोग थे ना। हाँ, लाश तो सिर्फ 26 लोगों की मिली, क्या 4 लोग जिंदा बच गए? अगर जिंदा बचते तो कम से कम सामने तो आते, लेकिन उनका तो कुछ पता ही नहीं चला। ये किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं आप लोग? सोमवार रात को जो बस का हादसा हुआ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ा ही बुरा हादसा हुआ, कोई भी जिंदा नहीं बचा साहब। पर आप किन्हीं 4 लोगों के बारे में बात कर रहे थे ना, जिनकी लाशें नहीं मिली? जी हाँ, बस 30 सीटों वाली थी, सभी टिकटें बिक चुकी थी, लेकिन लाश तो सिर्फ 26 लोगों को ही मिली है। जिन 4 लोगों की लाशें नहीं मिली, क्या आप उनके नाम जानते हैं? नाम तो हमें नहीं पता। शुक्रिया। कहीं राहुल इसी बस में तो नहीं चढ़ गया? मुझे भी यही लगता है। एक्सीडेंट हुआ था सोमवार की रात को, और मंगलवार को राहुल बस की आत्मा में बैठा था। लेकिन राहुल ने बस पकड़ी कहां से होगी? कोई तो अड्डा होगा इस बस की आत्मा का। तुम लोगों को याद है, सुनील ने हमें एक भिखारी के बारे में बताया था। अरे हाँ यार, और उस भिखारी ने कहा था कि इतनी रात को यहाँ पे बस नहीं मिलेगी, है ना? कहीं उस भिखारी ने देखा हो राहुल को कहीं जाते हुए, जहाँ से उसे वो बस मिली। ढूंढते हैं उस भिखारी को, वो जरूर यहीं कहीं होगा। बाबा, क्या मंगलवार रात को 4 दोस्तों ने आपसे किसी बस के बारे में पूछा था? हाँ, पूछा था, पूछा था। उनसे मैंने कहा था कि इतनी रात को कोई बस नहीं मिलेगी। तिन्ने तो मेरी बात मान ली, पर एक ने क्या हुआ उसे का? उसकी जिद खा गई उसे, वो अकेला ही निकल पड़ा एक ऐसे रास्ते पर जो उसे शहर की तरफ नहीं बल्कि मौत की तरफ ले गया। कहां है वो रास्ता? हमें वहां जाना है। ये जगह इतनी सुनसान है, क्या तुम दोनों को लगता है कि वो बस यहीं पे आती होगी? उस भिखारी ने तो यही कहा था कि राहुल इसी रास्ते से आया था। ये रोशनी कैसी? बस आ रही है। बस? ये बस यहाँ क्यों रुकी हुई है? वो देख, ये सब तो आत्माएं हैं। शायद ये उन लोगों की आत्माएं हैं जो बस एक्सीडेंट में मारे गए थे। ये सब बस में क्यों चढ़ रहे? चलो चलकर देखते हैं। वो सना है ना? सना? शायद इस बस की आत्मा ने इसे भी मार दिया है और विवेक को भी मार दिया है।
वो देखो विवेक, एक मिनट, उस रात जब इस बस का एक्सीडेंट हुआ था, चार लोग इस बस में नहीं चढ़े थे और ये भी चार दोस्त थे। सना, राहुल और विवेक मर चुके हैं। इसका मतलब है कि सुनील, मैं अभी सुनील को फोन लगा था। हेलो सुनील। हाँ सुनील, राघव बोल रहा हूँ। सुनील, क्या तुम चारों दोस्त ट्रैकिंग से लौटते वक्त क्या कोई बस लेने वाले थे? क्या बस लेने वाले थे लेकिन तुम लोगों ने ली नहीं, एक दिन और एक्स्ट्रा रुक गए? सोमवार की रात थी। ओह गॉड, राघव क्या हुआ? हर्ष, ये चारों दोस्त उसी दिन इस बस पे चढ़ने वाले थे जिस दिन इस बस का एक्सीडेंट हुआ था। पर ये चार चढ़े नहीं और बाकी सब मर गए, इसलिए वो बस वापस आई है उन चारों को अपने साथ ले जाने के लिए मौत की दुनिया में। हाँ, इनकी किस्मत में उस रात मरना लिखा था, पर ये चार तो उस बस में बैठे ही, इसलिए मौत इनका पीछा करते करते वापस आई है इस बस के रूप में। मतलब कि राहुल, सना और विवेक को मारने के बाद ये बस सुनील को मारने आएगी। चलो जल्दी चलते हैं, सुनील की जान को खतरा है। चलो इस बस का एक्सीडेंट जहां पर हुआ था ये बस वहीं गई होगी। चलो बदल सकता। सुनील को नहीं बचा पाए यार। हाँ राघव, मौत से आज तक कोई भी जीत नहीं पाया, ये लोग भी नहीं। हमको इन लोगों के अंतिम संस्कार का इंतजाम कर देना चाहिए, इनके घर वालों को खबर दे देनी चाहिए। किसी ने ठीक कहा है, इंसान खुद से और अपनी मौत से कभी दूर नहीं भाग सकता।